नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें। कोरोना के आए 9,996 नए मामले सामने और 357 मरीजों की मौत। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ लाल सलाम और कॉमरेड, कोरोना पर अज्ञान का यह खतरनाक अंधड़। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में यानी 10 जून सुबह 8 बजे से लेकर 11 जून सुबह 8 बजे तक 9,996 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से संक्रमित 357 मरीजों की मौत हो चुकी है और 5,823 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में अब कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक 2,86,579 हो गई है, जिसमें से 1,41,029 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक 8,102 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या यानी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,37,448 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक कुल 52,13,140 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 1,51,808 सैंपल की जांच बीते 24 घंटे में हुई है। अब चलते हैं दूसरी खबर पर। 10 जून को ट्विटर पर लाल सलाम और कॉमरेड हैशटैग ट्रेंड हुआ। इन शब्दों का ट्रेंड होना बेमिसाल घटना थी। हुआ यह था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह कहा था कि लाल सलाम और हैशटैग जैसे शब्दों का इस्तेमाल बताता है कि कोई व्यक्ति माओवादी है। 29 मई को NIA ने असम और किसान नेता अखिल गगोई के सहयोगी बिट्टू सोनवाल को नागरिकता संशोधन के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की वजह से हिरासत में लिया और चार्जशीट दायर कर कहा था कि इन्होंने सोशल मीडिया पर अपने कुछ दोस्तों को कॉमरेड कहा था और एक दूसरों के बीच लाल सलाम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। NIA ने इन शब्दों पर इस्तेमाल के आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत की थी। सोचिए कि ऐसे विरासती शब्दों का गैर कानूनी शब्दों के तौर पर देखना सत्ता के किस चरित्र को दिखाता है। क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि इस आजाद मुल्क में एक खास विचारधारा के लोगों के प्रति सरकार का नफरत भरा रवैया है। लाल सलाम और कॉमरेड जैसे शब्द केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि ऐसी जीवन शैली का नाम है जो अपने साथ सबसे अंतिम पायदान पर खड़े इंसान के बारे में भी सोचता है। दुनिया के संघर्ष के इतिहास जिनके बिना अधूरा है, बेहतर और खूबसूरत दुनिया में बनाने में जुटे लोगों के परिचय का नाम है। COVID-19 के फैसले को रोकने में शासन नाकाम साबित हुआ है। अब मुल्क की बड़ी आबादी को हमारे सत्ताधीशों और नीति निर्धारकों ने उसके हाल पर छोड़ दिया है। अनेक इलाकों में अस्पतालों में जगह पाए बगैर लोग मर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार और झारखंड सहित कुछ अन्य पिछड़े इलाकों से कोरोना जैसी महामारी को देवी बनाकर पूजने की हैरतअंगेज खबरें आ रही हैं। अभाव और अंधविश्वास से घिरे इन इलाकों में कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, कौन है इसके पीछे, ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। देखिए उनके प्रोग्राम का कुछ हिस्सा। दोस्तों, हमें जो खबर मिली है कि बंगाल से लेकर बिहार और झारखंड और यहां तक कि असम भी, कुछ लोगों ने तो हमको ये भी कहा कि ईस्टर्न यूपी के भी कुछ पार्ट्स में, लेकिन हमारे पास पुष्ट नहीं है, बिल्कुल ये इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बिहार के बारे में, झारखंड के बारे में और असम के बारे में और बंगाल के भी कुछ एक हलकों के बारे में हमारे पास कंफर्म्ड खबरें हैं कि कैसे वहां पर गांव में, कस्बों में, मझोले छोटे शहरों के बिल्कुल कोने अंतरे में वहां पर लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में कोरोना माई, कोरोना देवी की पूजा की जा रही है। उनके नाम पर महिलाओं को उपवास कराया जा रहा है। और दोस्तों, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये केवल कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अटकलों में है। जो उस इलाके के बहुत प्रमुख अखबार हैं वहां पर ये खबरें आ रही हैं, लेकिन जो दिल्ली, मुंबई और बड़े जो महानगर है वहां से छपने वाले जो तथाकथित राष्ट्रीय अखबार हैं, तथाकथित राष्ट्रीय जो मीडिया है, वहां पर ये बातें उतनी प्रमुखता से नहीं आ रही हैं। वो ये है कि मैंने अभी एक खबर पढ़ी दोस्तों, और ये खबर पलामू के पांडू से है। इस खबर में बताया गया है, अखबारी खबर है,
कि बीते रविवार को पांडू के सिकनी में 20-25 महिलाओं ने कोरोना माई का उपवास रखा, उसमें उसी रात उपवास के चलते हो या दूसरे और कारणों से हो ब्लड प्रेशर एक औरत का लो हो गया और वो रास्ते में अस्पताल जाते हुए दम तोड़ दी। इसको लेकर कोरोना माई की पूजा और कोरोना माई के उपवास को लेकर आसपास के इलाकों में एक दहशत सी फैल गई। तो हमारा ये कहना है और इस खबर के जरिए या इस तरह के घटनाक्रमों के जरिए हम ये भी सवाल उठाना चाहते हैं कि दोस्तों ये कौन लोग करा रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। एक तरफ हम दिल्ली में, मुंबई में और अहमदाबाद में हम विकास मॉडल की बात करें या चाहे जिसकी भी बात करें, अस्पतालों की बात तो कम से कम कर रहे हैं, गैस सिलेंडर, हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हम वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, आईसीयू की बात कर रहे हैं, लेकिन उन इलाकों में जहां न तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है न रेफरल अस्पताल है, जिला अस्पताल की इतनी बुरी हाल है कि अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि जिला अस्पताल की बिल्डिंग में जानवर घूम रहे हैं। ऐसे इलाकों में औरतों को कौन ये समझा रहा है, कौन उनके दिमागों में ये बात भर रहा है कि कोरोना कोई माई है, कोरोना कोई देवी है, उसकी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों मैं चूंकि गांव में पैदा हुआ हूं इसलिए बहुत सारे शहर में जिन्होंने जीवन अपना शुरू किया और शहर में ही रह गए, गांव यदा कदा गए, तो उनको बताना चाहूंगा कि हमारे गांव में जब हम लोग बच्चे थे और हाल तक भी, चाहे वो चेचक हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डायरिया हो, सबके नाम पर एक देवी बुन खड़ी कर दी जाती थी और देवी की पूजा की जाती थी गांव में। अजीब तरह का वो माहौल था और वो माहौल धीरे धीरे खत्म हुआ जब अंधविश्वास को, आडंबर को, पाखंड को धीरे धीरे वैज्ञानिकता से फाइट आउट किया गया और एक नवजागरण धीरे धीरे गांवों में, कस्बों में होने लगा। लेकिन आज जब हम 21वीं सदी में हैं, जब विश्व गुरु बनने का दावा किया जा रहा था अब तो खैर बहुत बुरा हाल है, विश्व गुरु की सारी जो दावेदारी है, जो सारे दावे हैं उनकी पोल खुल चुकी है कि हमारा कितना बुरा हाल है, हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नहीं है जो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के भी पास है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को अगर आप देखिए क्या गजब का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप जैसे उदाहरण के तौर पे हम पड़ोस के, हम तो अमेरिका की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, हमेशा फ्रांस से अपनी तुलना करते हैं, लेकिन हम वियतनाम से क्यों नहीं अपनी तुलना करते, हम ताइवान से अपनी तुलना क्यों नहीं करते, और तो और छोड़िए चीन, चीन में भी आप देखिए जो हाल वुहान का हुआ और वुहान को जिस तरह कंट्रोल किया गया, हम उससे क्यों नहीं कंपेयर करते। वियतनाम में जीरो, एक भी डेथ के अभी तक उदाहरण नहीं है और उस देश ने कैसे फाइट आउट किया कोरोना को, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हम मूल विषय पर आते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं कि गांव में, कस्बों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण और कोई अस्पताल न होने के कारण, बेहतर डॉक्टर न होने के कारण, और जो अस्पताल प्राइवेट में है, क्लिनिक है, वो लूट के अड्डे हैं। तो ये जो देवी है, ये जो माई है, इसके नाम पर भयावह स्थिति पैदा कर दी गई है। लोग कहते हैं कि कुछ एक संगठनों के पास गांव-गांव में कार्यकर्ता हैं, ग्रासरूट लेवल पर उनके कार्यकर्ता हैं। अब हमें कोई बताए कि आखिर वो ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता लोगों को ये शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं कि ये गलत है, ये आडंबर है, ये अंधविश्वास है, ऐसा आप लोग मत कीजिए। और ये कोरोना माई की जो पूजा हो रही है उन गांवों में कराई जा रही है कुछ लोगों के इशारों पर, और उसमें महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है और खासकर जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उनके बीच इसका प्रचार बहुत जबरदस्त ढंग से किया जा रहा है। और उसमें हो क्या रहा है, हमें जो जानकारी मिली है कि उसमें 9 गुड़हल के फूल, 9 लौंग, 9 कपूर, 9 लड्डू या 9 बतासे, इन चीजों को जुड़ाया जाता है, किसी कथित देवी की पूजा कराई जाती है, उपवास भी रखवा देते हैं गांव में उन औरतों से, और फिर इन सभी चीजों को जलाया जाता है और जला करके और पुनः जमीन के नीचे गाड़ा जाता है, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये बहुत खतरनाक देवी हैं, इनको जमीन के अंदर जब गाड़ेंगे तो ये अपने आप आएंगी नहीं आपके पास। तो ये जो अंधविश्वास का ताना बाना बुना जा रहा है, कमाल का है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें अपने समाज में होती है, नहीं, मैंने आपको बताया कि बचपन में किस तरह हम लोगों ने चेचक को देवी के रूप में देखा था और उसकी पूजा की जाती थी। हमने हाल में देखा
इस युग में जब टेलीविजन आ चुका था कि गणेश जी अचानक दूध पीने लगे थे और पूरे देश में एक साथ पीने लगे थे, कोई नहीं जानता कि किसने ये सब किया, कैसे कराया। बहुत सारे लोग जानते भी हैं लेकिन उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं पेश करते। लेकिन एनीवे ये अनजाना सच नहीं है कि वो सब कहां से आया, क्यों आया, क्या वजह थी। दोस्तों, इसके अलावा हम एक बात आपको करना चाहते हैं कि अपने देश के जो प्रगतिशील लोग हैं, जो वैज्ञानिक दिमाग के लोग हैं, लिबरल्स जिनको आप कहते हैं, वो बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ग्रास रूट लेवल पर, इनको काउंटर करने के लिए, इनको इनका इनको जवाब देने के लिए, सच सामने लाने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए, एक व्यापक जो जनतंत्र, एक व्यापक जो पीपल्स नेटवर्क होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखता है दोस्तों। और ये वो कारण है जिसकी वजह से अंधविश्वास और अज्ञान का प्रसार करने वाली ताकतें अपने देश में ऐसे दौर में अपनी सक्रियता से एक नए ढंग का खतरा पैदा कर रही हैं, जो अभूतपूर्व है, जिसको पूरी दुनिया में शायद ही किसी मुल्क ने फेस किया हो या इस तरह का चैलेंज किसी मुल्क के सामने आया हो। आप हमारी खबरों को न्यूज क्लिक के इंग्लिश और हिंदी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, न्यूज क्लिक के फेसबुक से हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं, न्यूज क्लिक के ट्विटर अकाउंट से हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं, न्यूज क्लिक का यूट्यूब चैनल है, वहां से हमारे वीडियो देख सकते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज क्लिक।